जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रिश्तों में खटास पैदा होता हुआ है, ये नित नए अंदाज में सामने आ रहा है। दोनों ही दल अपने अपने मयान से अपनी तलवारें निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं और निशाने पे लगा रहे हैं। आपने देखा कल के बिहार के एक आईएएस अधिकारी के घर पे ईडी की छापामारी हुई, और ये छापामारी सिर्फ बिहार में नहीं हुई, दिल्ली और पुणे तक हुई। दूसरी तरफ आज जो खबर आई है कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट की कल आयोजित होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया है और इसकी तिथि को बढ़ा दिया है। लेकिन इन तमाम मामलों का असल उद्देश्य क्या है, यह जानना जरूरी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि नीतीश ऐसा तो नहीं कि उनसे अलग हो जाए और उनकी सरकार गिरा दें, ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा। तो एक तरह से शह और मात का खेल दोनों ही तरफ से चल रहा है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ईडी का सहारा लिया है, उससे ये लगने लगा है कि क्या यह भी संभव है कि नीतीश कुमार को ईडी का भय दिखाकर या तो डराया जाए और नहीं तो फिर उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया जाए। हक की बात इरशादुल्लाह के साथ आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया है, और अब क्या अब नीतीश कुमार अगर उनके नियंत्रण से बाहर होने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो उन्हें जेल के अंदर भी भेजा जाए और उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, बिहार में भी और फिर दिल्ली में भी। और ऐसी सूरत में नरेंद्र मोदी को 12 में से ज़्यादा सांसदों का साथ मिल जाए और यहाँ बिहार में भी उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। तो बात की शुरुआत हम उसी ईडी की रेड से करते हैं, जो कल संजीव हंस आईएएस हैं, जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड हुई। और इसमें एक जो एक नया एंगल है, इसमें जो एक दूसरा एंगल है, वह एंगल है गुलाब यादव का। गुलाब यादव एक महत्वाकांक्षी राजनेता हैं जो 2015 से 20 तक विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उनकी पत्नी भी एमएलसी हैं और उनकी बेटी मधुबनी के जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। लेकिन इन तमाम मामलों में आगे बढ़ने से पहले जो इन मामलों की जो पेचीदगियाँ हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। 2016-17 में से एक महिला वकील जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हैं, उन्होंने कई बार कोशिश की कि गुलाब यादव और संजीव हंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए रेप का, लेकिन बिहार के किसी थाने ने उनके एफआईआर को नहीं लिया। तो उन्होंने इस मामले को अदालत में ले जाना मुनासिब समझा और अदालत के आदेश पर संजीव हंस, जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, नीतीश के काफ़ी करीब के आईएएस ऑफिसर हैं, और दूसरे गुलाब यादव, जो कहने को तो 2015 से 20 तक राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, लेकिन 24 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ा था और नीतीश के भी काफ़ी करीब रहे हैं। इन दोनों के ऊपर उस महिला वकील ने यह आरोप लगाया था कि इन्होंने उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाने का लालच दिया, झांसा दिया, और इसके बाद उन्हें पुणे के एक होटल में दोनों ने मिलकर के सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, संजीव हंस के ऊपर तो इतने गंभीर आरोप उस महिला ने लगाए थे जिसमें यह कहा गया था कि उनका एक बेटा है जिसके पिता संजीव हंस हैं, और उन्होंने कई बार यह आग्रह किया है कि अगर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो इस तो सच्चाई सामने भी आ सकती है। अदालत के कहने पर यूं तो एफआईआर हो गया, पुलिस इस पर जाँच कर रही है, लेकिन अदालत ने इन दोनों की गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दिया है। तो 2021 में इस मामले पर केस हुआ, उसकी जांच चल रही है। अभी तक जांच कहां तक पहुंची है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इसी संबंध में उस महिला ने ये आरोप लगाया था कि गुलाब यादव और संजीव हंस के पास भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति है और इस भ्रष्टाचार में दोनों जो है सो सहभागी हैं, और इसी को आधार बना करके ईडी ने गुलाब यादव और संजीव हंस के कई ठिकानों पे, बताया जा रहा है कि 20 ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं ईडी के अनुसार, ईडी की जो एंट्री होती है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि ईडी किसी और क्राइम पे काम नहीं करता, वह आर्थिक अपराध पर शिकंजा कसता है, और इसी पूरे प्रकरण में ईडी ने आर्थिक अपराध के एंगल को तलाशा और उसी के आधार पर यह कल रेड की गई। अब इस मामले में जो अलग अलग एंगल हैं उससे आपने जान लिया, लेकिन इसके अंदर जो ईडी की कार्रवाई का है या ईडी की जो एंट्री है, इस एंट्री को समझने की ज़रूरत है।
ईडी ने कल की छापेमारी में क्या क्या प्राप्त किया इस संबंध में उसने किसी तरह की कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है, लेकिन समझा यह जा रहा है कि किसी भी राज्य का कोई आईएएस ऑफिसर और ये भी टॉप लेवल का आईएएस ऑफिसर जो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब होता है, और अगर आप इतिहास देखें तो पिछले 20 सालों में 18-20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भले ही उनकी सत्ता इस दल से उस दल की तरफ चली जाती हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो आईएएस लॉबी है, जो आईएएस ऑफिसरों का जो जमावड़ा है, वो कभी नहीं बदलता। लगातार कुछ चुनिंदा आईएएस ऑफिसर ही नीतीश के करीब रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं संजीव हंस। संजीव हंस न सिर्फ ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी पावर होल्डिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं। तो एक तरह से ये इतना मलाईदार डिपार्टमेंट है जिसमें अरबों रुपये के घपले और घोटाले की संभावना है। अब जो इसका दूसरा पक्ष है उस पर आप ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो रिश्ते हैं, ये रिश्तों में दरार है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ फिर से जा मिलें और वहां सरकार बना लें, और अगर वो इस मिशन पे काम करते हैं तो ऐसी सूरत में वह केंद्र से भी उनसे समर्थन वापस ले लें। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को इस बात का संदेह है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, उनके विधायकों को बिहार में तोड़ा जा सकता है और केंद्र में उनके सांसदों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा कि नीतीश कुमार ने संजय झा को, जिनके बारे में खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कहते रहे हैं कि उनके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी मधुर हैं और दोनों पार्टियों के बीच में वो ब्रिज का काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को इस बात का संदेह हुआ, या यूं कहें कि उनके ऊपर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दबाव हुआ कि संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद पार्टी पे खतरा बढ़ सकता है, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने एक दूसरी चाल चली और मनीष वर्मा जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं उन्होंने संगठन का महासचिव बना दिया। इस तरह से संजय झा के पर को कतरने की कोशिश की गई, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव हो गए, तो वैसी स्थिति में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका नगण्य हो जाती है। तो इसी घटना के बाद से जिस दिन से मनीष वर्मा को महासचिव बनाया गया, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक नई तकरार शुरू हुई, नई सह और मात का नया खेल शुरू हुआ। तो अब सवाल यह है कि संजीव हंस के ऊपर जो ईडी की जो छापेमारी हुई है उससे नीतीश कुमार को किस तरह से खतरा हो सकता है। आप अगर ऐसे देखें तो पिछले 20 से 25 साल के करियर में नीतीश कुमार के ऊपर किसी तरह का किसी आर्थिक अपराध का कोई आरोप नहीं लगा, उनकी छवि एक नीट एंड क्लीन छवि मानी जाती है। लेकिन अगर आप ईडी के इतिहास को देखेंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, आपने देखा कि वहाँ के कई अधिकारियों ने कुछ मंत्रियों के ऊपर ये आरोप लगाया कि कई मंत्री ऐसे हैं जो उन पर दबाव डालते हैं कि उन्हें करोड़ों रुपए के फंड उनके लिए जमा किए जाएं, और सिर्फ इस आरोप के लगा दिए जाने के बाद उस मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह अगर आप झारखंड में देखें कि हेमंत सोरेन के ऊपर किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन एक ज़मीन के घोटाले के मामले में उनको जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जिस आर्थिक अपराध का जिक्र किया जा रहा है उसमें न तो FIR में सीधी तौर पे उनका नाम है और न कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि किसी ज़मीन घोटाले में इनकी हिस्सेदारी है, लेकिन इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह आपने देखा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं भी जेल की सलाखों में डाल दिया गया और अब तक वो जेल में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर अगर संजीव हंस के ऊपर जो ईडी का शिकंजा कसता है और उनसे ये एफिडेविट लिया जाता है जिसमें वो अगर इस तरह का जिक्र भी कर दें कि इससे उनके बड़े जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं और इस भ्रष्टाचार में, वैसी स्थिति में नीतीश के ऊपर नकेल कसने का एक बहुत बड़ा हथियार जो है केंद्र सरकार को मिल जाएगा। और इसी तरह की गुंजाइश इस पूरे खेल में है कि या तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, उनकी शर्तों पे रहें, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करें और चुपचाप पार्टी उनकी सरकार को समर्थन देते रहें, और
समर्थन देते रहे, और अगर उन्होंने इसके बरअक्स कोई काम किया तो ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कस सकता है। तो इस तरह से पूरा जो खेल है पिछले 10 से 15 दिनों से बिहार में जिस तेज़ी से फैल रहा है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है।